एक्चुअली किस्मत के आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, होनी को हम नहीं टाल सकते हैं, पर मुझे बस इतना ही है कि मतलब 3 4 हफ्ते की और बात थी, और मतलब वो फिनिशिंग लाइन कहीं दूर दिख रहा था, पर फिर मैं निकल गई। बट हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। इंसान का मन ऐसा ही होता है कि जितना आपको मिले और चाहते हैं और चाहते हैं। और ये गेम शो है, ये एक रियलिटी शो है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माइंड है, तो डेफिनेटली मैं फिनाले तक मतलब फाइनल लाइन को टच करना चाहती थी। बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे सेकेंड चांस मिला। आई एम लकी क्योंकि आउट ऑफ 16 पीपल आई गॉट दैट चांस। बस, और तो हाँ, थोड़ा सा दुख है बट खुशी भी है। नहीं, ऑनेस्टली जब मैं ग्रुप सी लॉस्ट में जब मुझे डाला गया था, आपको लास्ट हफ्ते शायद मैं थोड़ी सी डाउन डल दिखी होगी, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी खट खट खटक खटक गई थी, और आपको ना एक फीलिंग टाइप की आ जाती है ना, तो मुझे एकदम से नॉमिनेशंस में और मेरे साथ जो लोग हैं उनका नाम देख के मुझे एक फीलिंग आई कि कहीं मैं तो नहीं। और उस वजह से शायद लास्ट के 3 4 दिन थोड़ा सा मेरा डाउनफॉल था, बट आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉमन, क्योंकि हर किसी कंटेस्टेंट को जब मैं पूछ रही थी तो हर किसी के साथ ये हुआ है, बिकॉज देयर शुड बी अ ग्राफ, इट के नॉट बी लाइक दिस दिस दिस, देयर शुड बी डाउनफॉल्स अप डाउन। तो कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस हुआ। इट्स नॉट अ ईजी हाउस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको अपनों की याद आती है, बहुत चीज़ों की याद आती है, हर कोई आपके सामने कुछ पीछे कुछ, हर कोई आपके बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आई फील एवरी वन इज़ फेक इन साइड द हाउस। इट्स सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड जेन्युइन हार्टेड पीपल, और शायद इसलिए भी क्योंकि सब ना एक शील्ड क्रिएट करके रखना चाहते हैं अपने आसपास, कि जो बंदा मुझे बाहर मिलेगा तो बहुत जेन्युइन लगेगा, वो बंदा भी एक शील्ड की वजह से कि उसको भी लग रहा है बाकी लोग भी तो फेक है मेरे साथ, तो मैं क्यों अपना जेन्युइन दिखाऊं। तो ये ना एक एक वेव की तरह वो सोच पूरे घर में फ्लो करता रहता है, कि ये सोचे नहीं ये मेरे साथ फेक है तो मैं क्यों जेन्युइन हूँ, ये सोचे ये मेरे साथ फेक है तो मैं क्यों जेन्युइन, ये सोचे ये इसके साथ ये, तो इट्स लाइक अ एनर्जी वेव विच पीपल create around them to protect themselves from getting emotionally hurt. बाकी journey is beautiful. ये घर आपको बहुत चीज़ें सिखा देती है, decision making, दूसरे इंसान को जानना, परखना, पहचानना, छोटी छोटी situations में, circumstances में आप कैसे react करोगे, बहुत चीज़ें सिखाती है, but it's on the other hand also quite difficult and you feel lonely like anything sometimes. या आई स्टार्टेड क्राइंग। सलमान सर ने भी कल के एपिसोड में मुझे पूछा कि पर तुम क्यों रोने लगे, मैंने बोला एकदम से ममता फील हुई, क्योंकि आंटी और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, भले टीना के साथ मेरी लास्ट 3 साल से बात नहीं हो रही थी बिग बॉस में जाने से पहले, या 2.5 साल से आई थिंक बात नहीं हुई बिग बॉस, पर मम्मी और आंटी की रिलेशन अच्छा रहा। मेरी मम्मी टीना से बहुत प्यार करती है, आंटी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो मुझे जेन्युइनली लगा, क्योंकि हमारे हाइट डिफरेंस है, हमारे बालों के लेंथ का डिफरेंस है, और हम पीछे से भी काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं क्योंकि माई नेक इज़ क्वाइट लॉन्ग, तो मुझे जेन्युइनली लगा कि आंटी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, 10 साल से जानती है, श्रीजिता समझ के हक किया। और मैं आंटी के साथ ना, आंटी में कहीं ना कहीं मैं मेरी मम्मी को भी देखती हूँ, क्योंकि वो दोनों बंगाली है, बड़ी बिंदी लगाती है, थोड़ी सी चबी है, एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, सो आई फील माई मम इनसाइड आंटी। तो उन्होंने जैसे ही मुझे हक किया, मुझे वो ममता वाली फीलिंग आई, और मुझे रोना आया, पर बाद में मेरा पोपट हो गया क्योंकि मुझे पता चला आंटी टीना समझ के मुझे हक कर रही थी, और काफ़ी कोल्ड वाइब्स आया, विच आई कैन अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली, बट या जो टांग खिंचाई की है, मुझे लगता है आंटी की टांग खिंचाई की है कि आपकी बेटी को आप कैसे नहीं पहचान पाई, क्योंकि मैं और साजिद जी लड़ रहे थे अर्चना से कि अर्चना चुप रहे यार, बकवास मत कर, कभी हो सकता है कि मतलब वो मुझे टीना समझ ले, साजिद जी भी कह रहे हैं अर्चना दे नो ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, श्रीजिता समझ के हक कर रही है आंटी, और वो चुप ना रहे क्योंकि वो तो बहुत श्योर थी एक्सप्रेशंस देख के, तो अर्चना से ही प्रूव हो गई।
मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत एक्साइटेड हो गई थी मैं ऑनेस्टली. जैसे कि मैंने बोला लॉस्ट कैटेगरी में मैं होने के बाद थोड़ी सी मैं सोच में पड़ गई कि कहाँ गलत जा रही हूँ, कहाँ सही हो सकता है. तो वो 3 दिन के बाद ही माइकल आ गया और जो मेरा पूरा वो यू नो लाइक कन्फ्यूजन्स था वो एकदम से क्लियर हो गया और मुझे लगा कि बिग बॉस की पूरी जर्नी मैं माइकल के साथ 1 दिन के अंदर जी चुकी थी. जुलाई, 1 जुलाई, आप सब इनवाइटेड हैं. मुझे लगता है कि मैं ना ज़्यादा कंटेंट फील कर रही हूँ लाइफ में, कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ. मैं पहले भी कॉन्फिडेंट लड़की थी बट अभी मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ. और मुझे गुस्सा कम आ रहा है, पता नहीं कैसे. इतना आता था घर के अंदर पर मुझे गुस्सा कम आ रहा है, तो वो शायद हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली माइकल के लिए, कि चलो ये लड़ेगी बहुत ज़्यादा नहीं. पर देखते हैं ये कितने समय तक रहता है मेरे साथ, मतलब ये गुस्सा कम आना, इमोशन. या शादी में प्रियंका तो ऑलरेडी इनवाइटेड है, वो आ रही है किसी के साथ. तो प्रियंका है इनवाइटेड, साजिद जी को मैंने इनवाइट किया है पर शायद उनकी फ़िल्म की शूटिंग है उस टाइम पे स्कॉटलैंड में, तो उन्होंने फिर भी बोला मैं कोशिश करूँगा. और मैं शिव को बुलाना चाहती हूँ पर शिव कह रहा है शायद डिफ़िकल्ट होगा आना. अब्दू अगर फ्री है तो आ जाएगा, तो गाना गा के, छोटा भाईजान गाना गा के और महफिल जमा देगा. बाकी किसी को नहीं. शादी मतलब मेरी शादी वैसे भी बहुत क्लोज अफेयर है, इट्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली अफेयर, नॉट मोर देन 100-150 पीपल. क्योंकि इंडिया में भी हम इंडियन तरीके से करेंगे वापस से, तो उसमें शायद सब लोग, बहुत लोग इन्वाइटेड होंगे. पर जर्मन वाली वेडिंग में फ़िलहाल प्रियंका, साजिद जी और शिव इन्वाइटेड है. नहीं, वो एक्चुअली बिग ब्रदर देखता, मतलब कई सीजन्स देखे हैं. और जर्मन बिग ब्रदर भी जो आता है, मतलब जर्मनी में जो टेलीकास्ट होता है वो भी देखा है. वो तो एक एक साल चलता है जो उन्होंने मुझे बताया, ऐसे 4 महीने का नहीं, 1 ईयर. तो फिर मैंने उसको अपना एपिसोड्स दिखाया बिग बॉस का और मैंने बोला इतना भी कठिन नहीं है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है. बिग बॉस इज़ क्वाइट जेनरस और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही जेनरस थे बिग बॉस हमारे प्रति. तो आई थिंक ही क्वाइट लाइक्स द शो. भाषा ना समझने के बावजूद भी उसने पूरा सीज़न देख लिया मेरे साथ. और मैं जब नहीं थी तो अकेला देखता था और फिर ट्रांसलेटर में जाके कुछ कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करके भी समझता था. नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उन दोनों को ऐसे देख के. और मैं बोल रही थी तू तो इतना शर्मा क्यों रही है, मतलब जो लड़की सब पता किसी से ना शर्माए, ऐसे दुपट्टा ले लेके शर्मा रही थी. मैंने बोला क्या हो गया, तू क्यों शर्मा रही है. तो उसका ना कुछ थोड़ा सा अलग सा ही रूप उस दिन देखने के लिए मिला. बट मतलब इतना फ़नी था उनका कॉन्वर्सेशन, इतना फ़नी था. और जिस तरीके से एक दूसरे को वो लोग समझने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी है और माइकल की इंग्लिश वो ना समझे, फिर पूछ रही है दूर से श्रीजिता मोर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो पिकॉक ना. मैंने बोला नहीं, उसने बोला पिजन ना. मैंने बोला हाँ पिजन, नहीं पिकॉक. तो मतलब हर चीज़ ऐसे पूछ रही थी. श्रीजिता डिसअपॉइंटमेंट का क्या मतलब है, किस चीज़ से तू डिसअपॉइंट हो गई मेरे से. इट वॉज अ वेरी क्यूट कॉन्वर्सेशन. नहीं, क्रश नहीं हुआ. पर उसने मुझे बोला मेरा ना ऐसा फैंटेसी था कहाँ किसी फॉरेनर के साथ थोड़ा सा खोपचे में बैठ के बात करूँ. तो बेचारी बहुत खुश थी. हाँ नहीं, मैंने उसको पूछा, माइकल कह रहे एक्चुअली मैंने भी इंजॉय किया, मुझे नहीं समझ पता था कि मैं इतना इंजॉय करूँगी अर्चना के साथ कॉन्वर्सेशन. आगे की प्लानिंग यही है कि फिलहाल तो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ कुछ हफ्ते. बट जो भी बेस्ट काम आएगा आई वॉन्ट टू पिक इट अप. आई वुड लव टू डू अ रियलिटी शो अगेन, क्योंकि रियलिटी शो की मज़ा ही कुछ और है. एंड व्हाटएवर गुड कम्स अप आई वॉन्ट टू पिक दैट अप.